हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट मटन कोरमा। आप देख सकते हैं कितना हमारा ज़बरदस्त मटन कोरमा बना है। तो चलिए मैं आपको रेसिपी इसकी बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस गोश्त को मैरिनेट करना। मैंने मटन का गोश्त लिया है 3 किलो के करीब, और उसमें मैं डालूँगा 600 ग्राम कर्ड। साथ ही इसमें मैं डालूँगा 3 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। सॉल्ट डालेंगे, मैं सॉल्ट इसमें अभी 2 चम्मच डाल रहा हूँ, बाकी मैं ग्रेवी में एडजस्ट कर लूँगा। डालेंगे वाइट पेपर पाउडर, मैंने तकरीबन आधा चम्मच लिया है, उसको हम डाल देंगे। मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर ले रहा हूँ, लेकिन वाइट पेपर पाउडर हमें यूज़ करना चाहिए, बट हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं काली मिर्च यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें देंगे फिर हम साथ में कसूरी मेथी, इसको हम ड्राई रोस्ट करके क्रश कर लेंगे। और इसमें हम नींबू भी डालेंगे, तकरीबन मैं 1.5 नींबू डाल रहा हूँ 3 किलो के लिए। जैसे 1 किलो के लिए आप आधा नींबू लें। ये मैंने लेमन डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेशन के लिए 2 घंटे के लिए मैं इसको रख देता हूँ। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा मटन 2 घंटे तक मैरिनेट हो चुका है। अब मैं आपको फाइनल मसाले दिखाता हूँ इसके अंदर। तो ये हमारे मसाले और प्याज वगैरह है। प्याज मैंने 600 ग्राम लिए, जिसको फाइनली चॉप कर दिया है। 3 किलो हमारा मटन है, तो 200 ग्राम के हिसाब से मैंने प्याज ली है पर किलो। उसके साथ में है काजू मगज़, जिसको मैंने पानी में भिगा के और मगज़ पानी में भिगा के रखा है, जिसमें मैंने बादाम को पील कर लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने ली है 8 से 10 हरी मिर्च कटी हुई मोटी, और मैंने ये इसमें लिया है 300 ग्राम क्रीम, और कुछ खड़े गरम मसाले लिए, जिसमें इलायची है 6 इलायची, 15 से 20 मैंने काली मिर्च के दाने लिए हैं, और लौंग है इसके अंदर 7 से 8। दालचीनी लिए मैंने, दो स्टिक लिए छोटी, और 2 बड़ी मोटी इलायची ली है। साथ ही उसके मैंने लिया है बेलीफ, 3 से 4 बेलीफ ली है, और उसके अलावा मैंने लिया है नारियल का बुरादा। ये 100 ग्राम नारियल का बुरादा है, जिसमें हम अपना काजू मगज़ का पेस्ट, काजू मगज़ और बादाम को डाल के पीसेंगे। तो जहाँ मैंने नारियल का बुरादा, काजू मगज़ और बादाम लिया है, और इसमें मैं डालूँगा दूध, तो इसको पीस के हम प्रिपेयर करते हैं। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने उसके लिए प्रेशर कुकर में देसी घी लिया है, तकरीबन मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच देसी घी इसके अंदर डाला है। उसमें हम डालेंगे अपने, एक बार देखते हैं गरम हो गया है, तेल गरम हो गया है, हम इसमें डालेंगे गरम मसाले थोड़े और अपना बेली, इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, स्टॉप कर लेंगे। गरम मसाले इसमें डालने के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज, प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, और सॉफ्ट होते ही इसमें हम अपना मटन डालेंगे। हमने प्याज डाल दी है, इसको हम थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, प्याज को मैंने थोड़ा भुना है और ये थोड़ा पिंक और सॉफ्ट हो गया। अब इसी टाइम पे अब हम बाकी सारी चीज़ें अपनी डालते हैं। ये मैंने हरी मिर्च जो काटी थी वो डाल दी है, थोड़ा चलाएंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे अपना मैरिनेटेड मटन। तो ये मटन हमने इसमें डाल दिया है, इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको भूनेंगे, फिर इसको हम प्रेशर कुक करेंगे और गलने तक, फिर हम इसको अलग से पकाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं आप, एक गोश्त थोड़ा सा भुन चुका है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। इसको बस मैं 1 सीटी के लिए प्रेशर कुक करूँगा, फिर उसके बाद मैं इसको किसी बड़े बर्तन में निकाल के इसको और पकाऊँगा। तो इसको मैं 1 सीटी तक इसको पकाता हूँ। इसको अब मैंने गैस स्टोव इसका बंद कर दिया है। अब इसको जब तक इसकी गैस निकलती है, उसके बाद मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा इस बड़े पतीले के अंदर, क्योंकि गोश्त हमारा काफ़ी सारा है।
इसको स्पेस चाहिए ताकि ये इसके पीसेस के खुले ना और बिखरे ना। तो मैं इसको ट्रांसफर करके आपको दिखाता हूँ। अभी प्रेशर कुक करके मैंने इसको इस पतीले में निकाल लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो मटन है वो काफ़ी गल चुका है। अब इसमें हम बाकी सामान डालेंगे। अब इसमें डालूँगा ये क्रीम, इसको थोड़ा 5-10 मिनट के लिए पकाते हैं। साथ ही इसमें मैं डालूँगा अब काजू मगज़ और बादाम का पेस्ट जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था साइड में। और मैंने कुछ सूखी लाल मिर्च ली है, वो मैं साबुत में डालूँगा। थोड़ा सा इसको स्पाइसी करेंगे। इसको मैं अब पकाता हूँ 5 से 10 मिनट तेज़ आँच पे। तो ये जैसे कि आप जैसे ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है, अब इसको हम फाइनल टच देंगे। मैंने गैस स्टोव बंद कर देना पहले। फिर तो इसके बाद इसमें मैं डालूँगा गरम मसाला 1 बड़ा चम्मच, ये है ज़ीरा पाउडर 1/2 चम्मच। इसको मैं मिक्स करके फिर मैं आपको सर्व करके दिखाता हूँ। हमारा मटन कोरमा, वाइट मटन कोरमा तैयार हो चुका है।